question number 19 ही है. टू वाई बराबर टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस वन प्लस क्या हो गया साइन. देखो ये वाई हो गया, चाहो तो आप डायरेक्टली आप इनको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. डीवाई बाई डी एक्स करो, एक्स के साथ एक डिफरेंस है तो टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना. ये यू वी के फॉर्म में इनको तोड़ करके निकाल सकता है, एक नियम ये भी है. दूसरा नियम है क्या कि आप इनको शॉर्ट करके तोड़ दो, शॉर्ट करके आप तोड़ सकते हैं. तो शॉर्ट करके तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर आप टेन इनवर्स लिख दिए, टेन इनवर्स लिख दिए. अब देखिए कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स बाय टू. अब देखो वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं. देखो यहाँ पर मान किस रूप में है, कोस एक्स बाय टू और साइन एक्स बाय टू के रूप में है ना. तो देखो ये वन को भी उसी फॉर्म में हम तोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू. देखिए वन के बदले में लिख सकते हैं जी, जी. साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है ना. तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो मान क्या हो गया वन. ये वन के बदले में लिखे, ये यहाँ पर आपको क्या हो गया प्लस हो गया ना. अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू. तो टू साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू. उसके बाद देखिए ये टेन इनवर्स हो गया. अच्छा एक फॉर्मूला जानते हैं ना, ये इस फॉर्मूला पर नहीं आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी. तो कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू. अब यहाँ पर देखिए ये किस अनुसार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान कोस एक्स बाय टू और बी का मान साइन एक्स बाय टू. तो कोस एक्स बाय टू का क्या होगा, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर. ये हो गया. देखिए नीचे में दो गो ई गुना है मान कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, क्योंकि पावर दो है तो शर्ती है दो बार गुना है. तो ऊपर में एगो मान है स्क्वायर, ये कट गया जी, ये कट गया. अब आपको करना क्या है, कोस एक्स बाय टू से ऊपर और नीचा दोनों भाग दीजिए. कोस एक्स बाय टू से क्या करेंगे, ऊपर और नीचा दोनों भाग दे देना. तो इसमें भाग देंगे कोस एक्स बाय टू से तो क्या होगा, वन होगा. इसमें भाग देंगे तो साइन बटे क्या होगा, कोस नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा ना, टेन एक्स बाय टू. अब देखिए इसमें भाग देंगे क्या होगा, वन होगा. इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, टेन होगा एक्स बाय टू. हो गया ना जी. अब देखिए वन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, फाइव बाय फोर. टेन 45 डिग्री का मान वन होता है ना. ये टेन क्या हो गया एक्स बाय टू. और नीचे में आप लिख सकते हैं वन टेन फाइव बाय टू फोर टेन एक्स बाय टू. ये आप नीचे में लिख सकते हैं, क्या हो गया टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी. अब कहेंगे यहाँ पर तो वन नहीं है, तो वन तो सब में गुना रहता है, क्या रहता है. तो फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए लिखना होगा. अब देखिए तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाय फोर. अब माइनस देखो टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी ए का मान क्या हो गया फाइव बाय फोर, बी का मान क्या हो गया एक्स बाय टू.
अब ये इनवर्स टेन है, समझ गया ना, टेन पर इनवर्स है, ये टेन है, तो ये टेन कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। इनको जो है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, इनको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय क्या होगा, dx पाई बाय फोर का क्या मान होगा, जीरो, x का क्या होगा वन, तो वन बटे टू, तो माइनस वन बाय क्या हो गया टू, यही आंसर हुआ। अब देखो दस नंबर का जो क्वेश्चन है, y बराबर रूट ओवर एक्स प्लस, फिर रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस, ऐसे जो है ना चलते रहता है, कब तक, इनफिनाइट टर्म तक, मतलब कोई निश्चित समय नहीं है। अब देखो इनको समीकरण हम एक मान लेते हैं, इनको हम क्या करते हैं समीकरण एक। इस प्रकार का सवाल काफी इम्पोर्टेंट होता है, VBI होता है, देखने में सिर्फ भारी लगता है लेकिन बनाने में काफी इजी होता है। देखो अब करना क्या है, देखो इनफिनाइट तक न है जी, जी तो एगो मान को तुम उड़ा भी देगा कोनो फर्क पड़ेगा, जहाँ पर इनफिनाइट है एगो मान उड़ा भी देगा तो फर्क पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक के मान को पुनः वाई मान लो, जो मान सकते हैं यहाँ से वहां तक वाई रख सकते हैं ना, क्योंकि सब तो ये वाई का ही मान है, समझो कि एगो ईमान को उड़ा दिए, इसी पर चलते, यह भी तो इनफिनाइट तक जाता है, ये भी तो वाई के बराबर हो सकता है ना, हो सकता है जी, जी। तो लेट वाई बराबर रूट ओवर एक्स प्लस ये रूट ओवर एक्स, ऐसे चलते रहेगा प्लस इनफिनाइट, वाई मान लिया है। अब देखिए इनका जो मान है, ये इनके स्थान पर हम क्या रख देते हैं, वाई रख देते हैं, तो वाई बराबर क्या होगा, रूट ओवर एक्स प्लस वाई। अब करना है क्या, रूट को हटाना है, रूट को क्या करोगे, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा ना, तो लिख देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये यहाँ पर y स्क्वायर बराबर x प्लस y, इनका स्क्वायर हो गया तो y स्क्वायर, इनका स्क्वायर हुआ तो रूट से बाहर आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग, डिफेक्स रैन सीएटन सीएटिंग, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, डी एक्स एक्स प्लस वाई बटा क्या हो गया, डी एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का अर्थ हो गया कि डी बटा डी एक्स से दोनों तरफ गुना हो जाता है। अब वैसे भी आप लोग जानते हो कि समान संख्या से दोनों तरफ गुना कर दो, जोड़ कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी डी बटा डी एक्स, डी मतलब क्या हो गया डिफरेंशिएटिंग, डी एक्स मतलब क्या हो गया एक्स के सापेक्ष। अब देखिए ये वाई स्क्वायर है ना, ये क्या है वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स होता है ना, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, टू वाई होगा, क्या होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है तो वाई स्क्वायर का टू वाई होगा, उसमें एक्स ना होता है, एक्स का क्या हो जाता है, ये एक्स का क्या हो जाता है वन, लेकिन यहाँ पर है क्या वाई है, वाई का ना डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, डी एक्स, ये कटेगा बोलो तो नहीं कटेगा, समझो कि x रहता है तो यहाँ पर भी x आ जाता है, यहाँ पर भी x कट जाता है ना, वैसे ऐसे होता नहीं है क्योंकि x पावर जीरो है नहीं जी, जी। तो यहाँ पर x रहता है तो नहीं कुछ है, पावर क्या है, तो एक है, एक है जी।
इसलिए आपको जो है कि जैसे वन गुना करते हैं जी, और फिर एक्स पावर वन माइनस वन करते हैं तो एक्स पावर जीरो हो जाता है। जीरो किसी भी संख्या पर पावर हो तो उनका मान क्या होता है, एक एक गुना एक एक होता है, ऐसे कटा के नहीं होता है। लेकिन उतना दूर नहीं जाओ तो डी एक्स बटे डी एक्स होगा, कट के वन नहीं होगा, ऐसे ही सोचो सीधा जी। ये हो गया एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, वन होगा, और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना। अगर इनको समझने में दिक्कत है थोड़ा और एक्सपेंड इनको कर देते हैं। देखो डी एक्स बटे क्या हो गया, डी एक्स एक बार इसमें गुना करेगा ना, ये बीच में क्या है प्लस है ना, यहाँ प्लस देगा ना, अब फिर किसमें गुना करेगा वाई में, डी वाई वाई क्या होगा डी एक्स हो गया। ये खत्म क्या हुआ, एक ये बस ये जाएगा जी। अब देखो ये और ये क्या है, एक जाती है ना, क्योंकि डी वाई डी एक्स को निकालना है, इसलिए एक जाति को एक जाति की तरफ ला दो। लाने के पश्चात क्या होगा, टू वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, वन डी वाई बाय डी एक्स, ये टू वाई माइनस वन बराबर वन। अच्छा ये इधर गुना में इधर क्या होगा, ये इनका आंसर हो गया। एक देखो 2017 ऑब्जेक्टिव, तो देखो चार नंबर में जो पूछा गया है डी बटे डी एक्स, ये साइन एक्स है, देखो ये सब फिर ये का मार्क हुआ तोरा लिए तो मुश्किल छे बोलो कते हेते एकर मान कते हेते क्या छे देखलो ई फस गेले ने हम पढ़बे ने किए तो किए ते सही से बोला साइन के कोस साइन के कोस किए ते कोस कन्फर्म छो साइन का कोस नहीं है मजा आवे छे दिवे का इतना शुद्ध है साइन का कोस सूत्र ना है वो पांच है ना पांच नंबर का सवाल देखो डी बटे डी एक्स हो गया अब देखिए टेन का क्या होता है sec। देखो कोई ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा, अब तो पूरा सोल्व नहीं करेगा, दो मार्क मिलेगा तो थोड़ा डिटेल से देगा। ऑब्जेक्टिव जब बनाना है तो टेन का क्या होता है एक स्क्वायर एक्स होता है ना, एंगल के संपर्क ए एक्स है तो ए एक्स दे देना है, ए एक्स का क्या होगा ई होगा, ए एक्स का क्या होगा ये आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में होगा वो सही ऑप्शन होगा, तो किस ऑप्शन में है, ये बी में है, ऑप्शन बी इनका आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा। अब देखो इसलिए कहा जा रहा है कि 2017 में काफी इजी क्वेश्चन पूछा था, सब सूत्र को रख दिया है जी सर। एक एक्स का क्या होता है, किसका एक एक्स का फॉर्मूला अब देखिए ये जो है किस ऑप्शन में है, सी क्या सी है, सी में है, अब देखिए 13 वाला सवाल अब की बार आएगा, बना है तू साइन इनवर्स एक्स बोलिए
क्या जी सत्या जी, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? सही बोलेगा, आप ही से निकलेगा, निकाल लीजिए वन बटा, ये तो निकलेगा ही ना। इस सवाल के बारे में क्या कहेंगे? सवाल के बारे में बहुत अच्छा सवाल है, क्या कहेंगे? नहीं समझे हम बात के लिए। अच्छा सवाल किस तरह से पूछे गए थे 2017 में? 2017 में तो फॉर्मूला का ये क्या गया था, देख रहा है कितना एकदम ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ये किस ऑप्शन में है? मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, ये ऑप्शन सी में है, समझ गया ना जी। फॉर्मूले होता है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, देखो इसका तीनों का हम फॉर्म लिखा दिए हैं ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जीरो। अब देखिए इनका मान क्या होता है, ये पूरे का मान होता है इनका मान क्या हो गया? उसके बाद देखो अगला ऑब्जेक्टिव जो है ये सब जो है ना भिविया ये समझो, यही आएगा, ये भी भिविया हो गया। अब देखिए डीवाई वाई हम क्या करते हैं, डीएक्स साइन का क्या होता है, कोस, कोस एक्स होता है ना, एक्स की जगह लॉग एक्स है तो क्या होगा, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है, वन बटा वन होता है जी, तो कोस लॉग एक्स बटा क्या हो गया एक्स, किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बोलो क्या किताब देखते हैं, बोले ए में है, ए इनका सही आंसर हुआ, सही ऑप्शन हुआ, समझ गया ना। अगला देखो अगला क्वेश्चन जो है 16 वाई बराबर 16 में है जी, एक्स पावर क्या है 5 डी वाई बाई डी एक्स, पावर गुना होता है पावर पांच है, न्यू क्वेश्चन में किसी के पास नहीं है। और उसके बाद देखो कौन ऑप्शन में है, इस सी में है, सी में, सी सही हो गया सब्जेक्टिव में, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर लिख देना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स तो डी बटा डी एक्स से दोनों तरफ गुणन करेगा, डी बटा डी एक्स से क्या करेगा दोनों तरफ गुणन, कुछ नहीं है कटर है। अब देखो तो यहाँ पर टेन है ना, पहले टेन के बारे में सोचो, पहले क्या करोगे, तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब जो है कि इसके बारे में सोचो, इसका क्या होता है, वन बटे रूट साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन बटे सेक इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया ना, हो गया आंसर, इनको सजा के लिख दो, तो वही तो हम सही नहीं करते, एक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अब बटे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाला छोटी अब देखो
ये हो गया, ये डी वाई वन डी एक्स करो देखो साइन का क्या होता है, साइन का कॉस कोस एक्स होता है जी, एक्स की जगह पर तो पूरे मान है पूरा ये जाएगा कॉमन लिया को। अब देखो इसलिए नहीं अब कोस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस साइन होता है ये माइनस कर दो साइन ये टेन कोस एक्स। उसके बाद देखो अब टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर कोस एक्स जी, सेक स्क्वायर क्या होगा एक्स क्यों ले रहे हैं एक्स का तो मान वहां एक्स एक्स का टेन का एक्स क्या है कोस एक्स, टेन का एक्स क्या है कोस एक्स, कोस का एक्स क्या था टेन कोस एक्स समझ गया ना, इस कोस का एक्स क्या था कोस टेन कोस एक्स। अब बच क्या गया यही कोस बच गया है तो कोस का क्या होता है माइनस साइन। अब इनको सजा के लिख दो अपने